चाइल्ड हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा मंगलवार को ग्राम सगर और ग्राम चलदू में जरूरतमंद बच्चों के परिवारों को राशन के किट वितरित किए गए। चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली थी कि इन गांव में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के पदाधिकारियों ने तुरंत सर्वे किया और ऐसे बच्चों को ढूंढा और उनको राशन के किट वितरित किए। इसके साथ ही मंगलवार को कई और आयोजन भी किए गए जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता और बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कोविड के प्रकोप के कारण अधिकांश परिवारों को बेरोजगारी का सामना झेलना पड़ा। इस दौरान घरों में राशन की समस्या भी निरंतर होने लगी। बच्चों द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर मदद की मांग की गई, जिस पर चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा वॉलेंटियर अविनाश चौहान के सहयोग से ग्राम सगर एवं चलदू का सर्वे किया गया, जिसके अंतर्गत पाया गया कि ऐसे 11 परिवार हैं जिनके घरों में बच्चों को दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तत्काल टीम द्वारा ग्राम में ओपन हाउस कार्यक्रम के माध्यम से 11 परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा बच्चों में फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए पेंटिंग, डांस आदि प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले बच्चों को मेडल एवं पेंसिल सेट से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय भारद्वाज रहे तथा बच्चों को मेडल एवं राशन किट मुख्य अतिथि द्वारा वितरित किए गए। चाइल्ड हेल्पलाइन के कार्यकारी निर्देशक कैलाश बोरीवाल द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक विकास अहिर द्वारा किया गया। इस अवसर पर हीरा मीणा, पिंकी चौहान, महबूब बाई एवं रंजना अहिर, दीपक पाटीदार, विनय यादव, मनोज मुलासिया, वॉलंटियर अविनाश चौहान सहित बच्चे एवं ग्रामीण जन मौजूद थे। आभार रंजना अहिर द्वारा माना गया।